मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी वोट डालने के लिए मुंबई में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची। वहां पर उन्होंने वोट डाला और वहां पर न्यूज नेशन के संवाददाता भी मौजूद थे। हेमा मालिनी से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की। क्या कहा हेमा मालिनी ने, जरा सुनते हैं। हेमा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेमा जी, किन आधारों पर इस बार वोट दिया? विकास के मुद्दे ही है। हमारे मोदी सरकार ने जितना अच्छा काम किया है और आगे भी चलाते जा रहे हैं, पूरा देश बदल रहा है। लॉट ऑफ चेंजेस वी आर सीइंग, लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग। सो यही मुद्दा है डेवलपमेंट। मुझे नेशनल मुद्दों की बात करें तो बहुत सारे 370 के मुद्दे हैं उसके बाद भी, और अगर लोकल मुद्दे की बात करें जुहू खासतौर पर, तो यहाँ क्या चेंजेस आप देखती हैं और जो परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो हो रहा है, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अदर थिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अभी मेट्रो की वजह से हर जगह रोड्स आर इन अ लिटिल मेसी कंडीशन, बट इट वी हैव टू टॉलरेट इट बिकॉज वंस इट इज डन एवरीथिंग विल बी फाइन। वोट प्रतिशत कम है मैम, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी इस वक्त कम है, आप कहते 6 बजे तक है तो पीपल विल कम। बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए और हो भी रहे हैं परिवर्तन, ऐसा कहना है हेमा मालिनी जी का। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, लोग जो है वोट प्रतिशत में भी काफी सुधार आने की संभावना है। विजिलेंस कामेश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज नेशन, मुंबई।